हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव। आपका स्वागत है मेरी वेबसाइट cncbasic.com पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोड G72 स्टॉक रिमूवल इन फेसिंग। अब ये व्हाइट बोर्ड पे आप देख चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने G72 स्टॉक रिमूवल इन फेसिंग। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो बना रखा है G71 पर, तो वो मेरा वीडियो नंबर है 39। वीडियो नंबर 39, तो दोस्तों ये वीडियो भी आप देख लीजिएगा G72 से पहले। ये दोनों कोड जो है लगभग लगभग जो है एक जैसे ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। बट क्या है, ऑपरेशन करते समय हम जब मशीनिंग करते हैं तो हम कंपोनेंट को देख लेते हैं कंपोनेंट की जो कटिंग है वो G71 में ज्यादा बढ़िया होगा या G72 में होगा। और इन दोनों को लगाने से पहले ये भी हमें कैलकुलेट करना होता है कि टाइमिंग किसमें कम आएगा, साइकिल टाइम, क्योंकि जिसमें कम समय आएगा तो वही ज्यादा बेटर होगा कि वो वाला टूल और वो वाला कोड हम यूज करें G71 या G72। तो G72 आज हम सीखेंगे G72 कोड स्टॉक रिमूवल इन फेसिंग। दोस्तों ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, ये हमें बनाना है। ठीक है, ये हमें बनाना है और ये हमारे पास मटेरियल है। इस मटेरियल का डायमीटर जो है दोस्तों वो है डाया 72 और जो इसकी लेंथ है वो है 28। तो इस मटेरियल से हमको जो है ये हमें फिनिश कंपोनेंट बनाना है। ये देख लीजिए, इसका डाया हमें 70 बनाना है, ये हमें 50 बनाना है, अगर डाया हमें 30 mm बनाना है। 30 mm डाया की लंबाई 10 mm है, 50 mm डाया की लंबाई 8 mm है और आपकी 70 mm डाया की लंबाई 10 mm है। दोस्तों सबसे पहले एक बात बता दूं मैं आपको, इस कंपोनेंट को हम G71 से भी बना सकते हैं। ठीक है, और G72 से आज बनाना हम सीखेंगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा कोड यूज करना है, कौन सा हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। ओके, तो अभी से हम बनाना शुरू करते हैं इसको। आइए सबसे पहले डालेंगे प्रोग्राम नंबर O1267 एंड ऑफ द ब्लॉक। इसके बाद डालेंगे हम सीक्वेंस नंबर N10। ठीक है, सीक्वेंस नंबर बताया था मैंने आपको, मैंडेटरी नहीं है। ओके, बट इसमें डालने का ही फायदा है कि आप इसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा प्रोग्राम नंबर है हमारा, कौन सा सीक्वेंस नंबर है। इसके बाद दोस्तों ये N10 हो गया। इसके बाद हम टूल को क्या करेंगे, हमारा स्लाइड है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, उसको हम होम कर देंगे। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे G28U0.00W0.00। दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ, U जो है x एक्सिस के लिए है, W जो है वो आपका z एक्सिस के लिए है। दोस्तों जो भी मेरे सीएनसी बेसिक चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो वो वीडियो में इस प्रोग्राम को बनाने का जो सिस्टम है, इस प्रोग्राम को बनाते कैसे हैं, तो उसको बेसिक सीखने के लिए आप मेरे वीडियो नंबर 11 पे जाएंगे। वीडियो नंबर 11 मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए, अगर उनको बेसिक सीखना है कि प्रोग्राम बनाते कैसे हैं, तो मेरे 11 नंबर वीडियो पे जाएगी वो। ठीक है, उसको देखे पहले आप। और मैं सबसे यही सजेस्ट करूंगा आपको सबसे पहले कि जो भी बंदा इसे सीखना चाह रहा है वो सबसे पहले ना नंबर 1 वीडियो से चालू करे, नंबर 1 से आए, 1 2 3 करके ऐसे करके आगे बढ़े। ठीक है, और आज का जो दोस्तों मेरा वीडियो है, ये वीडियो नंबर कौन सा है, आज का वीडियो नंबर ये मेरा पुराना वीडियो है, वीडियो नंबर 40 जो मैंने कभी डाला नहीं है। 39 के बाद 41 वीडियो आ गया, तो मेरा 40 नहीं आया था। तो पहले क्या हुआ था, उसमें दिक्कत आई थी एडिटिंग में, तो वीडियो जो है मेरा करप्ट हो गया था, तो मैं डाल नहीं पाया था। तो ये वीडियो में जो है 40 नंबर का आज डालने वाला हूँ। तो ये वीडियो नंबर मेरा कौन सा है, ये वीडियो नंबर है मेरा 40। ओके, आइए शुरू करते हैं। ये होम करने के लिए G28U0W0.00। और जो भी भाई लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो इसको अगर समझ नहीं पा रहे हैं, तो पहले 11 नंबर वीडियो को देखे, 11 नंबर वीडियो। आइए अब G28U0.00W0.00 हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे दोस्तों, टूल कॉल करेंगे। टूल के लिए बोला था T05, ये मेरा टूल नंबर है, ये मेरा ऑफसेट नंबर है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब मैं स्पैंडल को रोटेट करूंगा, मैं G92 और G96 का यूज करूंगा यहाँ पे, स्पैंडल 2000
M03। अब इसके संग यूज करेंगे हम कटिंग स्पीड स्पैंडल 200, M07 कूलेंट ऑन। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर ज्यादा डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो बेसिक समझने के लिए प्रोग्राम बनाते कैसे उसके लिए जाएंगे वीडियो नंबर 11, 11 नंबर वीडियो पे जाइए अगर ज्यादा डिटेल में समझना है तो। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि मैं इसमें आपको कोड G72 समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं G72 बताऊंगा। तो ये बेसिक चीज है, बेसिक के लिए वीडियो नंबर 11 पे जाएंगे आप। G92, G96 मैंने यहाँ पे मैक्सिमम स्पैंडल स्पीड सेट कर दिया, G96 में मैंने यहाँ पे कटिंग स्पीड सेट कर दिया। अब ये दोनों चीजें हो गई है दोस्तों। सबसे पहले हम टूल को कहाँ लेके आएंगे, ये हमारा रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल का जो डाया हुआ है डाया 72 और जो इसकी लंबाई है वो है इसकी 28 mm। तो अब हम क्या करेंगे, टूल को हम लेके आएंगे। टूल को हम सीधा कहाँ लेके आएंगे, G00 से लेके आएंगे, जी रैपिड ट्रैवल G00X। ये 72 है आपका, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 72 तो थोड़ा सा ऊपर रखूंगा, क्योंकि अगर 72 पे लाऊंगा तो क्या है टूल टकरा जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। 72 है तो 72 से थोड़ा ऊपर रखेंगे, हम मान लेते हैं 74 है, X74.00। और दोस्तों मैंने आपको बताया था जो हमारा कंप्लेंट का फेस होता है, ये मैं एक एक्सिस बना देता हूं यहां पे। ये क्या होता है हमारा X0.00, Z0.00, ये सेंटर पॉइंट जो है हमारा। ठीक है, तो डाया हमने 74 कर लिया और फेस हमारा क्या है Z0, तो हम कर लेंगे Z0.00। ठीक है दोस्तों, ये तो प्रोग्राम का स्टार्टिंग है, ये तो हर प्रोग्राम के अंदर सेम ऐसे ही बनना है। ओके, तो ये दोस्तों हर प्रोग्राम में सेम एक जैसे ही बनना है। अब यहां से हम कोडिंग यूज करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे G72। अब मैं रेड पेन से बनाऊंगा, ये हमारी कोडिंग है जो स्टार्ट हो गई यहां से, अब मैं रेड पेन से बना रहा हूं। ओके, G72। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करते हैं, G71 में दोस्तों यू यूज करते हैं, यू एक्स के लिए, यहां पे भी यूज करेंगे W 0.5 R 0.25। दोस्तों यहाँ पे W 0.5 है क्योंकि मैंने बताया था ये जो कोड है वो है स्टॉप रिमूवल इन फेसिंग, ये फेस पे कटिंग करेगा। मैं आपको पहले ये बता दूं कि G71 और G72 में फर्क क्या है। G71 में क्या होता है, G71 स्टॉप रिमूवल इन टर्निंग, ये G72 है। G71 में कटिंग क्या होता है, कटिंग हमारा इस पोजिशन में होता है। ठीक है, जितनी बार कटिंग होगा क्या होगा, डेप्थ लेगा, गहराई लेगा, फिर कटिंग ये ऐसे करेगा। ये कटिंग कटिंग का कटिंग की डायरेक्शन हमारी जेड एक्सिस में ऐसे होती है। ठीक है, लेकिन G72 फेसिंग वाला जो हमारा कोड है इसमें कटिंग क्या होती है, कटिंग हमारी एक्स एक्सिस में होती है, इसमें कटिंग का डायरेक्शन ये होगा आपका, ये ऐसे ऐसे काटेगा ये। ठीक है, तो इसमें W0.5 का मतलब क्या है कि जो डेप्थ ऑफ कट है इसको कटिंग करने के लिए टूल जो हमारा यहां पे आएगा इस जगह पे, तो क्या करेगा, हर बार वो 0.5 ऐसे खिसकेगा और ऐसे कटिंग करेगा, 0.5 ऐसे खिसकेगा ऐसे कटिंग करेगा। मैं दिखाता हूं क्या करेगा टूल, जैसे सपोज हमारा कंपोनेंट ये रहा, टूल हमारा ये यहां पे आ गया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये जो W0.5 है ये डेप्थ ऑफ कट है, वो क्या करेगा टूल हमारा ऊपर ऊपर 0.5 खिसकेगा ऐसे करके। ठीक है, ये रैपिड में खिसकेगा, ऐसे खिसकेगा और फिर क्या करेगा, कटिंग कैसे करेगा, कटिंग करेगा ऐसे। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, R 0.25 के रिट्रैक्शन अमाउंट, रिट्रैक्शन मतलब अपने सतह से 0.25 पीछे हट जाएगा, ये 45 डिग्री पे हटता है हमेशा 45 डिग्री पे, ध्यान रखिएगा रिट्रैक्शन अमाउंट है ये, क्योंकि फेस पर टच करके उठेगा निशान आ जाएगा कंपोनेंट पे हमारे, तो ये ऐसे कटिंग करेगा और 0.25 इसको ऐसे पीछे हटेगा और वापस फिर ऊपर आ जाएगा ये। अब फिर ये 0.5 है डेप्थ ऑफ कट, अब ये क्या करेगा, इस पॉइंट से 0.5 आगे और बढ़ेगा, ये बढ़ेगा फिर ये ऐसे कटिंग करेगा,
फिर ये 0.45 ऐसे रिट्रैक्ट होगा, 0.25 सॉरी, फिर ये ऊपर आ जाएगा, तो फिर इसका फिर डेप्थ ऑफ कट 0.25 करेगा, फिर ऐसे काटेगा, फिर ऐसे रिट्रैक्ट होगा, फिर पीछे आएगा, फिर ये 0.5 फिर से ये डेप्थ ऑफ कट पकड़ेगा, फिर ऐसे करके काटेगा, फिर पीछे आएगा, फिर ऊपर हो जाएगा, फिर 0.5 जो है ये डेप्थ ऑफ कट फिर पकड़ेगा और फिर ऐसे काटेगा। तो जो 0.5 है वो क्या है, डेप्थ ऑफ कट। जैसे G71 में हमने U डाला था डेप्थ ऑफ कट, वैसे G72 में डेप्थ ऑफ कट हमारा ये W0.5। दोस्तों ये जो वीडियो है ये थ्योरी की वीडियो है, इस पे प्रैक्टिकल वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि पुराना वीडियो है, वीडियो नंबर 14। अब जब मैं आगे फर्दर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको G71 भी यूज करके दिखाऊंगा, G72, और दोनों को प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा साथ साथ, ठीक है। तो ये थ्योरी, तो ये थ्योरी की वीडियो है, थ्योरी के हिसाब से समझना इसे भी आप। तो ये जितना मटेरियल है ना ये 0.5 गहराई देगा कटिंग करेगा, 0.5 गहराई देगा फिर कटिंग करेगा, 0.5 फिर अंदर जाएगा फिर कटिंग करेगा, मतलब डेप्थ ऑफ कट है ये हमारा, ठीक है। W जो है वो क्या है हमारा, W दोस्तों है हमारा डेप्थ ऑफ कट। दोस्तों बिल्कुल G71 की तरह है ये, ठीक है ना। W हमारा क्या है, डेप्थ ऑफ कट R0.25। R क्या है, एस्केपिंग अमाउंट, आ रहा है एस्केपिंग अमाउंट, थोड़ा सा फेस को छोड़ेगा और फिर ये भाग जाएगा, ये जगह पे वापस आ जाएगा, फिर डेप्थ ऑफ कट लेगा, फिर कटिंग करेगा। तो ये हमारा R क्या है, ये हमारा है एस्केपिंग अमाउंट। इसके बाद दोस्तों क्या है, इसके बाद हम डालेंगे G72, थोड़ा पीछे पीछे से लिखना चालू करूंगा, G72 P120 Q200B U0.00 W0.00 Field 0.2। दोस्तों ये नीचे लिखा, मैं काम करता हूं थोड़ा जगह बना देता हूं, तो मैं इसको मिटाऊंगा पहले, मैं पहले ये ऊपर वाला मिटा देता हूं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये मैं ऊपर लिख देता हूं, ये बिल्कुल सेम है, G72 W0.5 R0.25, फिर हमने कहा G72 P120 Q220 U0.00 W0.00 और फिर आपका आ गया Field 0.2। थोड़ी जगह नहीं बची दोस्तों, समझ लेना आप, यहाँ पे Field 0.2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दूंगा, थोड़ी जगह बनाऊंगा पहले। दोस्तों ये W मैंने बताया था आपको क्या है, W W जो है हमारा वो है डेप्थ ऑफ कट, ओके। जितने पर डेप्थ लेगा, गहराई लेगा फिर कटिंग लेगा, फिर गहराई पकड़ेगा फिर कटिंग लेगा, भाई काटने से पहले गहराई भी तो पकड़ेगा, मुझे कटिंग कितने डेप्थ में करनी है, कितना मोटा कट लगाना, हल्का लेना मोटा लेना, कैसा लेना, लाइट कट है हैवी कट है, कैसा कट है। तो डेप्थ ऑफ कट W है हमारा, तो हमने 0.5 का लिया था, ठीक है। आर क्या है, आर जो था मैंने बताया था आपको एस्केपिंग अमाउंट है, जब वो कटिंग करेगा तो जगह लेकर छोड़ के पीछे हटेगा पहले, ठीक है। दोस्तों ये समझ में आ गया, ये हमारा P120Q, P जो है सीक्वेंस फर्स्ट ब्लॉक, एक तरीके से ये 120 है, मैंने पहले भी G71 में भी बताया था, मैंने यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, 001 005 007 999 999, इसमें भी आप कुछ अलग नंबर लिखेंगे। इस P और Q का क्या मतलब होता है वो आगे आप देखेंगे। P
पीछे देखे क्यू तक में जो भी वैल्यू हम डालेंगे वो बार बार क्या है उसी वैल्यू को पढ़ेगा और उसी हिसाब से कटिंग करेगा। ठीक है, ये हमारी कैडेट साइकिल है, इसमें हम दो लाइन लिखेंगे और कटिंग हमारा होता चले जाएगा बिल्कुल G70 वन की तरह। बट G70 मैंने बताया था कि जेड एक्सिस में कटिंग होती है G71 में और G72 में एक्स एक्सिस में कटिंग होती है। ठीक है, आगे प्रैक्टिकल वीडियो होगा वहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये हमने पी और क्यू में क्या है एक एड्रेस डाल दिया 120 और क्यू 220, यू 0.00 डब्ल्यू 0.00 U और W में जो है ना दोस्तों हम फिनिशिंग का अमाउंट डालते हैं, फिनिशिंग अनाउंस। पहले रफ कटिंग हो गई जितनी करनी है हमें, बाद में फाइनल कटिंग होगा तो उस समय हमें कितना माल देते हुए फिनिश करते जाना है 0.2 0.4 0.5 जो भी हमें डालना है। तो U और W में जो हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं वो हमारा क्या होगा, वो वैल्यू हम तब डालते हैं जगह अगर हम इस कैडेट साइकिल में G70 का यूज करेंगे, G70 फिनिशिंग साइकिल का। अगर हम G70 यूज नहीं करेंगे तो U और W की वैल्यू क्या है 0.0 रखी जाएगी, और G70 का यूज करना है तो यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे 0.2 0.5 के हिसाब से फिनिशिंग करने के, लास्ट में फिनिशिंग कट करते हुए आएगा। और ये फील्ड क्या है, तो टूल के चलने की स्पीड है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, ये N, ये P 120 है तो अब क्या करेंगे, P को हम क्या करते हैं N, N 120। दोस्तों यहां पे समझने वाला है कि अब यहां पे हम करने क्या जा रहे हैं। अब हमने हमने लिख दिया फर्स्ट सीक्वेंस ब्लॉक, अभी तक तो हमने कुछ लिखा ही नहीं कि टूल को चलना किस साइड है, अब चलना है डाउन चलना है, कितने लेंथ पे चलना है, क्या डायमेंशन है, कुछ नहीं पता। अब यहां से सारे डायमेंशन डालना चालू करेंगे, कहां से 120 से लेकर 220 तक में ये यही वैल्यू डालना है कि चलना किस मोशन में हमको, ठीक है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो समझ जाइए जो वैल्यू यहां डालनी है यहां पे सेम वैल्यू डालनी है आपको, यहां कुछ और डाल दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा आपका। और पी को क्या करना है, पी को करना है एन, ध्यान से समझना इसे, एन 120। अब इसमें क्या करेंगे, एन 120 जी 00 क्या वैल्यू डालोगे, यहाँ पे डालोगे आप जेड में वैल्यू जेड, ठीक है, कितना वैल्यू डालोगे, हमारी यहां से लेके जीरो से जाकर यहां तक चलना है तो लंबाई हमारी कितनी हो गई 10, 8, 18, 18, 10, 28 एमएम। दोस्तों ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे वैल्यू डालेगी जेड माइनस 28.00। तो हमने 28 को दिया क्योंकि टूल को हमें अब इतने अंदर जाना है, यहां तक जाना है, हमको टोटल लंबाई हमने डाल दी जहां तक जाना है, तो आप जोड़ के देखिए 10, 8 और 10, ये हो गया आपका 28 एमएम। अब दोस्तों बीच में लिखना कैसे है ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना आप। अभी अब हमें यहां पे ये डायरेक्ट में हमारा 70 है तो अब हम लिखना चालू करेंगे G01 कटिंग के लिए होता है G01 लीनियर इंटरपोलेशन G01 एक्स 70.00 फील्ड 0.2। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा टूल हमारा कहां आ गया, यहां आ गया, ठीक है 28 पे और 70 पे, तो ये हमारा ये टूल यहां आ गया। अब ये क्या है, अभी चलेगा इस तरीके से तो यहां तक की दूरी हमारी क्या होगी, अब ये हम टूल जो है ना टूल जो हमारा उल्टा चलना चालू हो रहा है, ध्यान रखना इस चीज का। पहले 28 में गया टूल हमारा यहां से 28 पे गया फिर 70 पे आया, अब ये क्या है, अब हमारा ये इस तरीके से वापस जाएगा उल्टा ऐसे, तो अब ये ऐसे जाएगा तो जड़ की दूरी कितनी आएगी, जड़ की दूरी हमारी आएगी 10 और 8, 18, यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमारी 18 है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे G01 जेड माइनस 18.00 फीट 0.2 या 24 जो डालना चाहोगा, ठीक है। अब हमारा टूल कहां आ गया दोस्तों, हमारा टूल अब इस पॉइंट पे आ गया मेन, अब क्या है अब वो डाउन जाएगा इस तरीके से, तो डाउन जाने के लिए डायमीटर ये कितना है, ये वाला डायमीटर ये है 50 mm, तो अब हम लिखेंगे G01 एक्स 50.00। दोस्तों ये फ्रीडम पावर डिपेंड है, जब तक G01 है डिफॉल्ट रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर चेंज करना चाहते हो आप लिख भी सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, अगर मैं यहां कुछ भी नहीं लिखूंगा ना तो ये वाला फील्ड ये यहां पे ले लेगा, ओके। अब दोस्तों एक्स 50 है तो अब हमारा टूल कहां चल के आ गया, यह हमारा टूल यहां से लेके यहां चल के आ गया। पहला पॉइंट हमारा ये था, दूसरे कर देता हूं, सेकंड पॉइंट हमारा ये है, अब थर्ड पॉइंट हमारा ये है, एक्स 50 का मतलब क्या है टूल हमारा यहां आ चुका है, ओके। अब क्या है, अब जेड में चलेगा, ये मूवमेंट जेड की मूवमेंट है,
तो ये जेड की मूवमेंट यहां चल के आएगा, तो जेड की दूरी कितनी है 10 mm है। तो अब हम लिखेंगे, अब देखो दोस्तों जी जीरो वन है तो जरूरत नहीं है जी जीरो वन दोबारा लिखू मैं, ठीक है, लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी काम चल जाएगा, काम चलेगा नहीं काम दौड़ेगा। जेड माइनस कितना 10 mm, ओके जेड माइनस 10। दोस्तों अब हमारा टूल कहां पे आ गया, हमारा टूल आ गया आपका यहां पे, ठीक है। अब ये क्या आएगा, अब ये से नीचे आना है, तो अब जो हमारा दूसरा पॉइंट बनने वाला है, दूसरा मतलब क्या नेक्स्ट पॉइंट बनने वाला है, वो पॉइंट बनने वाला है ये, तो x, अब जो है x की वैल्यू बढ़ेगी, तो x का डायमीटर कितना है हमारा 30 30, तो अब हम डालेंगे दोस्तों क्या x, सॉरी x 30.00। आप कहोगे सर जी जीरो वन मैंने बोला डिफॉल्ट काम करेगा, ये लगाना चाहे तो लगा भी दो आप ये लोग, और नहीं लगाओगे तो भी काम पूरा करेगा ये, ठीक है। अब ये दोस्तों हमारा कहां पे आ गया, ये हमारा इस वाले पॉइंट पे आ गया एक्स 30 पे। अब दोस्तों इसे कहां चलना है, यहां पे जेड में चल रहा है, और जेड की दूरी ये वाली कौन सी थी मैंने बताई थी जीरो है, एक्स जीरो जेड जीरो, ये फिर से हमारा जेड जीरो है। तो अब जो है हमारा क्या आएगा लास्ट में, अब हम डालेंगे यहां पे, और ये हमारा लास्ट है, ये हमारा लास्ट है, यहां पे आके क्या होगा, यहां पे आके काम हमारा खत्म हो गया, तो ये लास्ट है। अब लास्ट है तो क्या है दोस्तों, लास्ट में मैंने लिखा था पी 120 क्यू 220, तो ये लास्ट ब्लॉक है, तो ये लास्ट ब्लॉक में उठाऊंगा यहां पे लिखूंगा और क्यू को कर दूंगा एन, एन 220, और क्या कर दूंगा जी 01 जेड 0.00, ठीक है दोस्तों। अब ये जो है प्रोग्राम यहां से लेकर यहां तक, ये देखिए ये हमारा प्रोग्राम है G72 का, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से प्रोग्राम बनेगा, बहुत सिंपल है, बहुत इजीएस्ट है, इसे आप ध्यान से देखना, रिपीट करके देखो आप इसे, यही मेन फंडा है, इस फंडा को आप पकड़ लो, ये फंडा जो है फंडामेंटल है, इसी तरीके से G72 काम करेगा। सबसे पहला जो ब्लॉक है हमारा, जो टोटल लंबाई है, हमें वहां लास्ट तक लेकर जाना है इसको, टोटल लंबाई हमारी थी 10 + 8 + 10 = 28, तो 28 से अंदर चलेगा, फिर हम पहला पार्ट हमारा G0 में X70 काटा, फिर हम आगे चले गए 18 पे, ठीक है, फिर हम X50 पे आए, फिर Z-10 पे चले हैं, फिर X हम 30 पे आए, फिर G01 Z0.00, ठीक है दोस्तों, क्लियर है बिल्कुल, ये आपको ये जेड माइनस टेन है और ये जेड जीरो है, ठीक है। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना, आप जेड माइनस टेन है तो जेड माइनस जीरो कर दोगे आप, माइनस प्लस जीरो कुछ नहीं होता, जीरो जीरो ही होता है, ओके, वो प्लस माइनस नहीं होता, ओके। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है दोस्तों। अब इसमें मैंने देखिए यू 0.00 डब्ल्यू 0.00 डाला था, ओके, तो 0.00 डाल दिया, तो यहां पर मैंने G70 यूज नहीं किया। अब एक्चुअल में है क्या, कटिंग होने के बाद ऐसे ऐसे कटिंग करेगा ये रफिंग में, तो निशान आ जाएगा, तो लास्ट में फिनिशिंग साइकिल होगा, वो ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे काटता हुआ निकल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर हमें फिनिशिंग की वैल्यू भी देनी है G72 में, तो फिनिशिंग की वैल्यू देने के लिए दोस्तों होता क्या है, ये हमें दो जगह वैल्यू चेंज करनी होती है, पता कहां ना, यू और डब्ल्यू में। अगर यू में वैल्यू देंगे हम जितना 0.2, तो वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस में 0.2 का फिनिशिंग कट ले देगा, और डब्ल्यू में देंगे तो फेस पे भी कट ले देगा थोड़ा सा। तो ये दो वैल्यू आप डालोगे तो आपको G70 का यूज करना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूं आपको G70 के लिए यहां पे वैल्यू दिया जाता है। अब मैं दोस्तों ये नीचे वाला मिटा देता हूं आपका, दोस्तों अगर हमें G70 यूज करना है, ठीक है ना, तो G70 के लिए कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, G70 के लिए इस खत्म होने के बाद यहां पे आपको लिखना होता है G70, ठीक है, और यहां पे देना होता है P की वैल्यू क्या लोगे, P की वैल्यू दोगे 120, ठीक है, और Q की वैल्यू क्या लोगे, Q की वैल्यू दोगे आप 220, केवल ये चीज डालना होगा आपको दोस्तों। G70 जो है फिनिशिंग साइकिल है, फिनिशिंग साइकिल हमने दे दिया G70 कमांड, और यहां लिख दिया P 120 Q 220,
कि पी 120 से लेके क्यू 220 तक यहां तक आप फॉलो कीजिए, तो वो क्या फॉलो करेगा, वो यहां पे आएगा और देखेगा वो कि यहां पे वैल्यू क्या डली है, तो यहां पे हम वैल्यू छोड़ देंगे इसके लिए, अभी 0.00 था ठीक है, अब वैल्यू छोड़ देंगे हम और यहां पे हम थोड़ी सी वैल्यू दे देंगे फिनिशिंग के लिए, हम दे देंगे पीयू 0.5 ठीक है, समझ गए। और फिर डब्ल्यू में भी लेना चाहते हैं, डब्ल्यू में यहां पे वैल्यू दे दीजिए आप, डब्ल्यू में दे देंगे हम 0.2 ठीक है, तो ये 0.5 और 0.2 ये फिनिशिंग कट में दे देगा आपका G70 से, ओके ये यूजर G70 का केवल, अगर G70 नहीं लेना है आपको तो यहां पे आप 00 रखिए, अगर 00 नहीं लिखेंगे और ये वैल्यू लिख देंगे और G70 नहीं लगाएंगे, मान लीजिए सपोज आपको G70 नहीं लगाना था, आपने नहीं लगाया, बट यहां पे आपने U की वैल्यू छोड़ दी और W की छोड़ दी, तो W की वैल्यू 0.5 छोड़ दी, तो इसका मतलब पता है क्या होगा, ये जितने भी डाई आपके बनेंगे 30 mm पे 30.5 होगा, ये 50.5 होगा, ये 70.5 होगा, गॉट इट, समझे बात मेरी आप, ये हमने फिनिशिंग के लिए वैल्यू छोड़ी थी हमने, लेकिन फिनिशिंग हमने लिया नहीं, डाला नहीं हमने, तो ये हर वैल्यू जितनी हमने डाली है 70.5 50.5 एक्स 30 तो 30.5 रहेगा आपका ये वैल्यू लिखने से, और जीरो लिख देंगे तो वैल्यू एक्चुअल बनेगी 70 mm 50 mm 30 mm ठीक है दोस्तों। डब्ल्यू में कट दिया, डब्ल्यू में क्या होगा, फिनिशिंग में क्या है, इस वाले फेस पे भी कट लेगा, इस फेस पे कट लेगा और इस फेस पे कट लेगा पॉइंट टू का, ठीक है दोस्तों, यह आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ज्यादा और डीपली समझाऊंगा तो 1 से 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, कोई वीडियो नहीं देखेगा, इसलिए वीडियो को थोड़ा मैंने ना तो ज्यादा लेंथी बनाया ना ज्यादा शॉर्ट बनाया है, कोशिश किया है कि इस छोटे से टाइम में थोड़ा अच्छा समझा पाऊं, तो आप इस वीडियो को अगर आपको समझ में ना आए तो इसे रिपीट करके देखो आप, और दोस्तों G71 वीडियो देख लेना इससे पहले वाला, वो भी सेम ऐसे ही है G71 G72। दोस्तों जो भाई लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और जो मेरा फर्स्ट टाइम जो है यही वाला वीडियो देख रहे हैं, तो इसको ज्यादा बेटर समझने के लिए आप नंबर 1 वीडियो से फॉलो करो, 1 2 3 करके आप आओगे तो पूरा का पूरा एक तरीके का आपको पूरा का पूरा सिलेबस है, 1 से करोगे फॉलो तो प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा आगे का, तो मैंने बता दिया 1 से फॉलो कीजिए, 11 नंबर वीडियो बताया मैंने, 39 जो है G71 कोड का वीडियो है, तो आप सारे वीडियो को फॉलो कीजिए दोस्तों।